हेलो फ्रेंड, एप्टीट्यूड सब्जेक्ट का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है नंबर्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं इस पूरे सीरीज में आरएस अग्रवाल बुक को कवर कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और इससे डिफर चीज़ फॉलो करना चाहिए तो मैं सजेस्ट करता हूं आप आर्यांत भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आर्यांत और आरएस अग्रवाल ये दो बुक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बेटर है। ठीक है, हर कोई इसी को सजेस्ट करता है, इसी को फॉलो करता है, इसमें आप बहुत सारा चीज़ सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर्स के बारे में, है ना। तो उससे पहले, कुछ क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट जान लें, फंडामेंटल जान लें। ठीक है, अगर हमारा फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है तो मुझे लगता है कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं पूरा बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, तो न्यूमरल्स क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आप जितना भी नंबर देखते हो, ठीक है, जितना भी नंबर देखते हो उस सारे नंबर में आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 10 नंबर आपको दिखाई देता है। ठीक है, 0 से 9 तक ये सारे को कंबाइन करके किसी भी नंबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया ए ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ डिजिट, डिजिट का ग्रुप जो कि डिनोट करता है किसी नंबर को, वो कहलाता है न्यूमरल। ठीक है, आप इतना ना समझे, बस आप इतना जाने कि हिंदी अरबिक सिस्टम में हम लोग 10 नंबर यूज करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसी चीज को कंबाइन करके इधर उधर अरेंजमेंट करके आप किसी भी नंबर को बनाते हो। जैसे कि आप एक मोबाइल नंबर देखते हो या कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर आपको इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ओके, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 6, 8, 9, 7, 4, 5, 1, 3, 2 ये क्या है, एक नंबर है। क्यों नंबर है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक का कोई डिजिट यूज हुआ है ना। तो आप देखो कि यहाँ पे मे भी कि सारा नंबर ना हो लेकिन इसी में से कोई रहता है, इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा ही। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो उसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो ये एक नंबर है। ओके, जरा मैं इसका साइज बढ़ा दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, ये रहा वो नंबर। ठीक है, 6, 8, 9, 7, 4, 5, 1, 3, 2। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को लेके हम लोग समझेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये रहा प्लेस वैल्यू और ये रहा फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू का दूसरा नाम है लोकल वैल्यू। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। सपोज कि इस नंबर में आपको पूछा गया है कि 1 का प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कोई नंबर दिया रहेगा उसमें पूछता है कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा या फेस वैल्यू क्या होगा, बात समझ में आई, क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो किसी भी दिया हुआ नंबर का, कोई डिजिट का, हम लोग प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसका, प्लेस वैल्यू की। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी मान लेते हैं कि इस 7 का, ये जो आपको 7 दिख रहा है ना, इस 7 का इस नंबर में प्लेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द गिवन नंबर। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जिस नंबर को, यानी कि जिस नंबर का प्लेस वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, सिंपली आप उसे लिख दो। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दो 7 हो गया, इनटू देना है और 10 लिखना है। ठीक है, इनटू 10 लिखना है। अब इसका पावर आपको कुछ देना है, वो पावर क्या देना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है पीछे से। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट करना है कहाँ से, पीछे से, ये 0, 1, 2, ठीक है, 3, इस तरीके से क्या करना है आपको, नंबरिंग करना है पीछे से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 कितना में आया, 5 में। ठीक है, याद रहे कि 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 आया, तो आप ऊपर में लिख दो कितना, 10 to the power 5। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने से बहुत ही सिंपल है, 7 लिख के
सॉरी 7 लिख के 10 टू द पावर 5 है तो 5 जीरो लगाना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो ये जो चीज़ आपको मिला, ये हो गया 7 का प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 7 लिख के 5 0, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्लेस वैल्यू निकालना आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, आप देख के ही बताना कि कितना होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप सिंपली क्या करोगे, 8 लिखो, इंटू दियो, और 8 इंटू 8 को काउंट करना है पीछे से कि कितना नंबर पे आ रहा है। याद रहे कि काउंट जीरो से करना है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 8 लिख के 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। 8 लिख के 10 टू द पावर 7 यानी कि 8 इंटू 10 टू द पावर 7 यानी कि 8 लिख के 7 0 लगाना है, वो उसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ठीक है। आई होप कि आपको प्लेस वैल्यू क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू आपको समझ में आ गया है ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो आप देख के बता सकते हो कि ये 6 कितने नंबर पे आ रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। कितने पे आ रहा है, 6, 8 पे। तो आपको क्या करना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 8 लिखना है, ठीक है, यानी कि 6 लिख के 8 0, बात समझ में। तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई पूछे कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, अब अगर कोई पूछ दे कि इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, सिंपली लिखोगे 2, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना, तो ये तो 0 में आ रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाता है ना, तो 0 में आ रहा है, तो 10 टू द पावर 0 लिखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि किसी का भी पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। किसी का भी अगर पावर, कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है कितना, 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू अभी कितना हो गया, 1, यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 2, प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया 2, बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की, ठीक है, कि फेस वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज कि, जस्ट वन मिनट, मैं जरा इसे हटा लूं, ठीक है। सपोज इसी नंबर पे, यही नंबर जो दिया हुआ है, इसी में अगर कोई पूछे कि 3 का फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है, तो पहले मैं फेस वैल्यू का डेफिनेशन दे दूं। फेस वैल्यू कुछ नहीं होता है, फेस वैल्यू जिसका निकालना होता है उसी डिजिट को बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी कि वो डिजिट खुद होता है। यानी कि देखिए, द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन अ न्यूमरल इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, यानी कि वो खुद है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि 3 का इस नंबर में 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू निकालना सिंपल है, अगर कोई पूछता है कि फेस वैल्यू क्या होता है तो वो डिजिट खुद ही अपना फेस वैल्यू बताता है, ठीक है। फेस का मतलब ही होता है उसका चेहरा, आइडेंटिफिकेशन, तो ये 8 इसका चेहरा है, ठीक है। तो फेस वैल्यू भी आपको समझ में आ गया कि फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अगर कोई पूछता है कोई नंबर देके कि कोई नंबर, जैसे कि कह दिया कि 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताओ, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 7 लिख के 0 से काउंट करो, जितना आता है उतना इंटू 10 टू पावर लगा देना, ठीक है। और अगर फेस वैल्यू पूछता है तो 7 खुद ही फेस वैल्यू है, ठीक है, तो उसका आंसर फेस वैल्यू हो जाएगा 7, और प्लेस वैल्यू 7 लिख के 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 0। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आई होप कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल एक, और वो है टाइप्स ऑफ नंबर। ये जो नंबर आप देख रहे हो वो कितने टाइप्स का हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। पहला टाइप्स का नंबर को बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का डेफिनेशन है काउंटिंग नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर को ही बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। ओके, काउंटिंग नंबर क्या होता है आपको पता होगा। काउंटिंग नंबर वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, आपने काउंटिंग पढ़ा होगा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से स्टार्ट होता है। जीरो से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि काउंटिंग नंबर वन से स्टार्ट होता है और उस काउंटिंग नंबर को ही बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा तो उस चीज़ को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर जो कि वन से स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाएगा पता नहीं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग वन से होगा। ओके, अच्छा आगे देखते हैं। उसके बाद एक दूसरा नंबर जो होता है नेचुरल नंबर के अलावा, उसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होगा कि उसमें नेचुरल नंबर ही रहेगा लेकिन उसके साथ में जीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या? होल नंबर, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि होल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें कि काउंटिंग नंबर तो होगा ही लेकिन उसमें जीरो भी होगा। कहने का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 जब था, जो कुछ भी नंबर था, जो काउंटिंग नंबर था, काउंटिंग नंबर जो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो नंबर है इसके साथ में अगर आगे जीरो से स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो जीरो को अगर आप ऐड करते हो तो उसको बोलते हैं क्या? होल नंबर, ठीक है। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि काउंटिंग नंबर वन से स्टार्ट होता है लेकिन होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट आपको याद रखना है क्या, अब सिंपली जानते हो कि होल नंबर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो हम लोग कैसे लिखेंगे होल नंबर, ठीक है, जरा इसे देखते हैं। जीरो हो गया, ठीक है, जीरो, देन वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, तो इस तरीके से क्या होता है, ये होल नंबर है ना। लेकिन देखो अगर इस जीरो को छोड़ दें तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये जो कुछ भी आ रहा है ये क्या है? काउंटिंग नंबर है। और ये काउंटिंग नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है ना। तो एक ये पूरा का पूरा क्या है? होल नंबर है। और यहां से यहां तक क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 क्या है? नेचुरल नंबर है, जो कि होल नंबर में भी है। ये पूरा का पूरा होल नंबर है ना, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर आ रहा है। तो एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन एक होल नंबर, एक पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो होता है जबकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। तो इस कंसेप्ट को आप जरा समझने का कोशिश करें कि एक नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता लेकिन एक होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। सॉरी मैंने शायद उल्टा कह दिया, पर आप इस चीज को थोड़ा सा गौर करें, बहुत ही समझने वाला कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, जो कि होल नंबर में भी आ रहा है ना। तो एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, ठीक है। आप फिर से इस चीज को रिमाइंड करें कि एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है लेकिन एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है लेकिन नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आता है क्योंकि जीरो उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, होल नंबर आपको समझ में आ गया। इसके बाद है क्या? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जीरो तो होगा ही, चलिए ठीक है। जीरो के साथ साथ में जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि काउंटिंग नंबर में यहाँ पे देखो कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं था, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे था, है ना, तो इसको बोले नेचुरल नंबर। इसी में अगर हम लोग जीरो लगा दिए, यानी कि आगे अगर जीरो से स्टार्ट कर दिए तो वो हो गया होल नंबर। लेकिन इसमें कहीं भी नेगेटिव टर्म है क्या? ये दोनों में नहीं था, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होगा, जीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, है ना। तो इस तरह का नंबर को बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है। यानी कि ये होल नंबर भी है, इंटीजर होल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि जीरो से स्टार्ट है तो ये होल नंबर भी हो गया इंटीजर, ठीक है। और क्या? नेचुरल नंबर भी है, वो इसलिए है क्योंकि 1 2 3 4 5 भी है, ठीक है। और साथ में ये तो इंटीजर है ही क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर उसको बोलेंगे
जिसमें कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहेगा। ठीक है, अब बात रहा कि जीरो कहाँ गया, तो जीरो को आपको रिमाइंड रखना है कि जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। आपने कहीं इस तरह का से लिखा हुआ देखा है क्या? जस्ट वन मिनट, आपने कभी इस तरीके से लिखा हुआ देखा है प्लस जीरो या माइनस जीरो, ऐसा कुछ देखा हुआ है क्या? कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप इस तरीके से देखते हो प्लस थ्री यानी कि टू प्लस थ्री, यानी कि प्लस थ्री आप देखते हो लिखा हुआ, माइनस टू देखते हो लिखा हुआ, तो ये सब चीज़ आपको दिखता है, लेकिन प्लस जीरो माइनस जीरो ऐसे नहीं दिखता है ना। तो जीरो ना तो वो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इसीलिए जब पॉजिटिव इंटीजर की बात किया जाए तो उसमें जीरो नहीं रहेगा और ना ही नेगेटिव नंबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो सिर्फ प्लस वाला रहेगा और जीरो तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर में सिर्फ नेगेटिव वाला टर्म रहेगा, जीरो तो रहेगा नहीं क्योंकि ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और प्लस की तो कोई बात है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बाद नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, तो वो सिर्फ क्या है? जीरो, क्योंकि मैंने बताया कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे देखो अगर मैं लिख दूँ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे यहाँ पे जीरो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन सा टर्म नहीं है, क्या हम इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले ये दिमाग लगाओ। इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर तो बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर तो है लेकिन उसके साथ में जीरो है ना। नेगेटिव भी बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें नेगेटिव तो है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब सब कुछ है लेकिन नेगेटिव वाला टर्म नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। उसी तरीके से इसमें देखते हैं, आप अगर नेगेटिव यहाँ पे देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो भी तो है। ठीक है, यहाँ पे जीरो भी है और जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो हम फिर इस सेट को क्या बोल सकते हैं? इस सेट को क्या बोल सकते हैं? सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस पूरे सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये किस चीज़ का सेट है? नेगेटिव इंटीजर तो बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें जीरो भी है। ठीक है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव, जो नहीं है। क्या नहीं है? तो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अच्छा इवन नंबर ऑड नंबर तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, क्योंकि इवन नंबर और ऑड नंबर आपने बहुत बार सुना भी है और आप जानते भी हो, इवन नंबर जो टू से डिविजिबल हो जाए, ऑड नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? ऑड नंबर। प्राइम नंबर, उस नंबर को बोलते हैं जो कि वन का टेबल से डिवाइड हो, ठीक है, एक को छोड़ के। ठीक है, एक को छोड़ के, ऐसा नंबर प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जो सिर्फ वन से डिविजिबल हो और वो खुद से डिविजिबल हो। जैसे कि टू थ्री फाइव सेवन, देखो टू सिर्फ टू का टेबल से कटता है और वन के टेबल से कटता है, इसीलिए ये प्राइम है। थ्री का अगर बात करें तो थ्री भी उसी तरीके से है, थ्री का टेबल से कटता है यानी कि खुद के टेबल से कटता है और वन के टेबल से कटता है। सेवन भी खुद के टेबल से कटता है और वन के टेबल से कटता है। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, जो खुद के टेबल से कटे और वन के टेबल से कटे। ठीक है, यानी कि जो वन से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। बात समझ में आई? अच्छा, वन को हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, ये एक्सेप्शनल केस है, जरा इसे याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, उसके बाद अगर हंड्रेड से बड़ा हो, अगर कोई नंबर हंड्रेड से बड़ा हो तो उसे कैसे फाइंड करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं? जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है, हंड्रेड से बड़ा कोई नंबर दे दिया अंदाजी, जैसे कि रेंडमली कोई नंबर आपको मिलता है, सपोज कि टू थ्री फाइव सेवन। ठीक है, ये एक नंबर आपको मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको आप चेक करो कि ये प्राइम है या नहीं, तो आप क्या करोगे? बारी बारी से सारे टेबल से डिवाइड देके देखोगे क्या कि ये खुद से जा रहा है, यानी कि टू थ्री फाइव सेवन का टेबल से ही जा रहा है या कोई दूसरा टेबल से भी जा रहा है? मैंने बताया कि प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर टू होगा, यानी कि दो फैक्टर होगा। दो फैक्टर कहने का मतलब कि वो एक खुद से जाएगा और एक एक का टेबल से जाएगा। ठीक है, यानी कि वन का टेबल से जो डिवाइड होगा और खुद के टेबल से जो डिवाइड होगा उसको बोलते हैं क्या? प्राइम नंबर। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि ये कोई दूसरा टेबल से भी कटता है या नहीं? ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना।
इतना बड़ा नंबर कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम है या नहीं। सपोज कि मैंने बताया कि 7, तो आप देख के बता दिए कि ये 7 7 से ही जाएगा और 1 से जाएगा और कोई टेबल से जाएगा नहीं, क्योंकि आपने 2 का टेबल भी पढ़ा तो 7 नहीं आया, 3 का टेबल भी पढ़ा तो 7 नहीं आया, 4 का टेबल भी पढ़ा तो 7 नहीं आया, 5 का टेबल में भी 7 नहीं आया, 6 का टेबल में भी 7 नहीं आया, सिर्फ 7 का टेबल में 7 आया, 8 का टेबल में तो 7 आएगा ही नहीं क्योंकि 8 7 से बड़ा है, तो इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या आप 2 3 5 7 इससे यानी कि 2 3 5 6 उतना टेबल पढ़ोगे क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एप्टीट्यूड का अपना मतलब ट्रिक यूज करते हैं, जो चीज़ हम लोग पूरे वीडियो में यही चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग कोई बड़ा नंबर को पता कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, सारे टेबल से डिवाइड दे दे के देखना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं, एप्टीट्यूड का मतलब ही यही है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सपोज कि 191, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 191 ये एक नंबर दिया गया आपको, आपको चेक करना है कि 191 प्राइम है या नहीं। तो जैसा कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि ये एक का टेबल से जाएगा और खुद का टेबल से जाएगा, यानी 1 के टेबल से डिवाइड होगा और खुद के टेबल से, यानी कि 191 के टेबल से। ठीक है, तो आपको 190 तक का टेबल चेक करना होगा। तो क्या आप 190 तक का टेबल काउंट करते रहोगे क्या? नो, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक यूज करना है, 191 से जस्ट नियरेस्ट इसके पास वाला, ठीक है, 191 का जस्ट नियरेस्ट जो होगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, जैसे कि 191, ठीक है, अगर हम लोग लेते हैं 191 का जस्ट नियरेस्ट, ठीक है, मैं यहां पे करके दिखाता हूं जरा इस चीज को, वन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका नियरेस्ट जैसे कि अगर आप 13 का लेते हो, ठीक है, आप किसका लेते हो, 13 का स्क्वायर करते हो, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 शायद, आप करके देख लो, ठीक है, 169 13 का, ठीक है, और अगर आप 14 का देखते हो तो शायद 196 होता है। ठीक है, 196, ओके, तो नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट 191 का नियरेस्ट कौन है, ये वाला, बात समझ में आया, 15 तो लेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है, और 12 भी नहीं लेंगे क्योंकि बहुत कम चला जाएगा, और 13 भी नहीं लेंगे क्योंकि ये कम है ना, तो 191 का नियरेस्ट लेना है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर होता है 196 जो कि 191 के नियरेस्ट है, तो इसी तरीके से आपको नियरेस्ट चेक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया अभी 14 को, किसको सेलेक्ट किया, 14 को, ठीक है, उसके बाद के स्टेप में क्या करना है, 14 जो आया है आपके पास, ठीक है, उससे लेस देन का जितना भी प्राइम नंबर है, उससे कम का जो प्राइम नंबर है उसका लिस्ट बना लो। जैसे कि मेरे पास अभी 14 आया ना, तो 14 से नीचे कौन कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले तो 2 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, ओके, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ प्राइम नंबर को लिखना है। ठीक है, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, ठीक है, और 13 के बाद 14 तो नहीं होगा, और 15 तो जाना ही नहीं है, क्यों नहीं जाना है, क्योंकि 40 तक ही जाना है आपको। ठीक है, यानी 40 या 40 से लेस, यानी कि 14 से कम तक जाना है। ठीक है, तो जितना भी प्राइम नंबर है उसका आप लिस्ट बना दो, ओके। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखो, लिस्ट बनाने के बाद 191 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ देम। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि ये जो 191 है, ठीक है, ये जो 191 है, ये देखना है कि इनमें से किसी से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर किसी एक से भी डिवाइड हो गया, अगर इनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर होगा, बात समझ में आया। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप बारी बारी से कितना देखते रहोगे कि 2 से डिवाइड है या होता है या नहीं, 3 से होगा या नहीं,
फाइव से होगा भी या नहीं, सेवन से होगा या नहीं, इलेवन से होगा या नहीं, थर्टीन से होगा या नहीं, ठीक है। मानते हैं कि आपको 190 तक चेक नहीं करना पड़ रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः, सिर्फ छः ही चेक करना पड़ रहा है, लेकिन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, सिर्फ 10 या 15 सेकंड का है, ठीक है। ये आप तब कर पाओगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ देखेंगे, ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी नंबर को तुरंत देख के कैसे पता करेंगे कि वो नंबर किसी से डिविजिबल है या नहीं। यानी कि आप देख के बता सकते हो कि ये 2 से डिवाइड लगेगा या नहीं, 3 से लगेगा या नहीं, 5 से लगेगा या नहीं, 7 से लगेगा या नहीं, 11 से लगेगा या नहीं, 13 से लगेगा या नहीं। यानी कि ट्रिक है जिसके जरिए हम लोग पता कर सकते हैं कि 191 डिविजिबल ये नंबर से होगा या नहीं, ठीक है। अगर होगा, किसी एक से भी हो गया तो ये प्राइम नहीं होगा, और अगर किसी से नहीं हुआ तो ये नंबर प्राइम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आई होप कि आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये चीज़ लोगों को जानना चाहिए, अच्छा चीज़ है। क्योंकि पर डे मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, हर दिन एक वीडियो आएगा, आप उसे देखें और रोज़ आप सीख सकते हो। 30 मिनट रोज़ अगर आप टाइम दोगे तो बहुत ही आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू।